अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हैं अपने नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग हमारा बहुत टाइम बाद आया है, लेकिन जो लास्ट व्लॉग था उसी से आगे कंटिन्यू है। बहुत सी मसरूफियात बीच में आ गई थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं पोस्ट हो सका, लेकिन अब सारे काम से फ्री हो के ये मैंने व्लॉग पोस्ट कर दिया है। तो ये उसी से आगे कंटिन्यू किया गया है। तो एक्चुअली हम लोग मक्का से मदीना जा रहे थे, और मदीने का सफ़र हमने किस तरह से किया, वहाँ पे बकायदा पूरा स्टेशन बने हुए हैं, बुलेट ट्रेन में हम लोग गए, ये लास्ट व्लॉग से कंटिन्यू ही है। उस वक्त हम लोग निकल रहे थे मक्का से मदीना जाने के लिए, लेकिन बीच में बहुत सारी ज़ियारतें थी जो हम लोगों ने की। उसके बाद हम आखिर स्टेशन में पहुँच चुके थे, मुस्तफ़ा में और मुस्तफ़ा के दोस्त जिन्हें हम प्रिंस भाई कहते हैं। तो टिकट हम लोग ले चुके थे, अब हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाइन थी और लाइन में वो एक एक चीज़ पासपोर्ट और सारा कुछ चेक कर रही थी, टिकट जो लेनी थी, और उसके बाद फिर आगे हम लोग ट्रेन की तरफ चल पड़े थे। तो ये आप देख सकते हैं जो आपको सामने दिख रही है, ये है बुलेट ट्रेन, और ये वाकई बुलेट की तरह ही लेके जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम पहुंच गए हैं ये बुलेट प्रूफ ट्रेन के, और इसका सफ़र हम आपको बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ। तो ये था इसका एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग इंटर हुए अपनी सीट की तरफ जाने के लिए। हाँ जी, तो हम अंदर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इनकी सीट्स वगैरह, इनका सीटिंग भी बिल्कुल प्लेन वालों की तरह ही था। जैसे प्लेन में आप लगेज ऊपर रख सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी जगह बनी हुई थी। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, एंड अभी जो है वो काम का वक्त है कि भाई को भी भूख लगी थी और हमें भूख लगी हुई थी, तो अभी हम खाएंगे खाना, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये वाला टाइम 6 बजे फिक्स था, तो फिक्स 6 बजे ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, निकल पड़ी है। एक सेकंड के लिए किसी के लिए भी नहीं रुकी, और अगर हम लेट हो जाते एक सेकंड के लिए भी तो ये तो चली जाती। तो भाई साहब अभी जो है वो चाय पीने लगे, जितने जाओ चाय, और हम अपनी मुख्तरमा के लिए कड़क, और मैं इनसे आधा कप लूँगा, हम आधा आधा। हाँ जी गाइस, तो हमने खाना भी खा लिया और बीच में जो है वो चाय भी ऑर्डर की है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो जहाज़ है ये जो ट्रेन है ये 20 मिनट में पहुंचा है जद्दा, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पर, हम लोग जब कार बाय रोड, हाँ, तो हमें 2 घंटे लगे तकरीबन, हाँ 1 आवर 40 मिनट इस तरह लगे थे हमें, लेकिन अभी ये ट्रेन ने जो है वो सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी फास्ट जो है वो चाहती है। पहुंच गए हम मदीना इंशाल्लाह, और वी रीच ऑलमोस्ट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में पहुंचे, पूरे 1 घंटा 55 मिनट्स। तो ट्रेन से बाहर निकलते निकलते हमें कोई लोग मिल गए थे जो कि हमें पहचानने लग गए थे, तो उन खातून ने पिक्चर ली और साथ उनकी प्यारी सी बेटी भी थी। तो ये अब हम मदीना पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम बाहर जा रहे थे टैक्सी लेकर होटल बुक करवाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने रोज़े मुबारक में जाना था, तो हम टैक्सी में थे अब और जा रहे थे होटल बुक करवाने के लिए, और वो सामने आप देख सकते हैं रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, मतलब यहाँ मदीने की रौनक ही और है, मक्का की अलग और मदीना की अलग, सुकून ही सुकून है इन जगहों में, मक्का में अलग और मदीना में अलग। व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगी बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।